हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम के साइंस क्लासेस पर। तो बच्चों, जो आज का सेशन रहेगा बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, सीटेट पेपर टू साइंस का सेशन रहेगा। ठीक है जी, जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे, अपने दोस्तों के पास भी भेजता रहे। ठीक है जी, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम बीमारी किस प्रकार के प्रदूषित जल को पीने से होती है। अच्छा, ध्यान रखना, ब्लू बेबी जो सिंड्रोम होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है दोस्तों, ये मेरे दोस्तों बीमारी जो होती है ना, मोस्टली होती है बच्चों में। ठीक है, इसमें होती है बच्चों में। ठीक है, ब्लू बेबी का मतलब होता क्या है, जो आपका हार्ट होता है, हार्ट के अंदर एक लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं सेप्टम की लेयर। क्या बोलते हैं? सेप्टम लेयर। और सेप्टम की लेयर जो होती है ये आपकी टूट जाएगी कब, जब कोई भी महिला, ठीक है जी, या फिर कोई जो बच्चा, जिसके पेट में बच्चा होता है महिला के में, तो होता क्या है, जैसे वो नाइट्रेट वाला पानी पीती है तो क्या होता है, सेप्टम की लेयर टूट जाती है और जो इसमें प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड जो भरा होता है हार्ट के अंदर, वो क्या होता है, मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी जो होती है वो कैसी हो जाती है, नीली पड़ जाती है, इसको हम बोलते हैं ब्लू सिंड्रोम। ध्यान रखना, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, सेकेंड आंसर क्या होगा, नाइट्रेट। ठीक है जी, ना क्लोराइड होगा, ना आर्सेनिक होगा, ना फ्लोराइड होगा, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, नाइट्रेट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है भाई साहब, चेचक के वायरस का नाम क्या है, जल्दी से बताइए। चेचक का जो वायरस है, चेचक जो है, चेचक का वायरस का नाम क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है रूबियोला वायरस है, वेरिसेला वायरस है, वेरिओला वायरस है, या फिर मिक्सो वायरस है। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से, रूबियोला, वेरिसेला, वेरिओला, या फिर मिक्सो वायरस, जल्दी से आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए। ठीक है जी, तो देखिए दोस्तों, जो चेचक वाला वायरस होता है, देखो सैम से लगते हैं, ध्यान रखना, वो है वेरिसेला। कौन सा है जो आपका आंसर है इसका, कौन सा है, वेरिसेला, सॉरी क्या होता है, वेरिसेला नहीं, तो दोस्तों कौन सा होता है, वेरिसेला नहीं है बिल्कुल, कौन सा है इसका आंसर जो है वो है आपका थर्ड, वेरिओला। कौन सा वायरस होता है, वेरिओला वायरस होता है। ठीक है जी दोस्तों, ध्यान रखें, क्या नाम है, चेचक के वायरस का नाम होता है वेरिओला। विशेष तौर पर ध्यान रखें, ये बीमारियां जो होती है, वायरस जो होती हैं, एक ट्रिक भी होती है कि रेखा हमें हिट करके पहुंचे छोड़ गई, पूरी लॉजिक होता है, ऐसे रेबीज कैसे खसरा, ऐसे पोलियो, एड्स वगैरह, ये सभी किससे होते हैं, वायरस से होने वाली बीमारियां हैं, विषाणु से होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, चेचक का वायरस का नाम क्या है, वेरिओला वायरस है। ठीक है जी बच्चों, चलिए उसके बाद देखिए, ऑन्कोलॉजी एक स्टडी होती है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, किसका अध्ययन होता है ऑन्कोलॉजी, केंचुए का अध्ययन होता है, वृद्धावस्था का होता है, फूलों का होता है, फिर कैंसरों का होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे दोस्तों, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शानदार, जल्दी से बताइए मेरे बच्चों क्या होगा। तो ध्यान रखना, ऑन्कोलॉजी जो है ये भाई साहब आपका किसका है, ये कैंसर का अध्ययन है। किसका अध्ययन है, कैंसर का। ध्यान रखने का तरीका ऐसे रख लो कि कैंसर हुआ है और किसको हुआ है, उनको हुआ है, कह देते ना उनको हुआ है, उनको हुआ है, ऑन्कोलॉजी है, क्या है, कैंसर का अध्ययन होगा। ठीक है जी बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ष की बूंद ना, एक वर्ष की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या होता है, मतलब एक वर्ष नहीं है, वर्षा है, क्या है, ये वर्षा है। ठीक है, एक वर्षा की बूंद का गोलाकार आकृति होने का कारण क्या होता है, वर्षा की बूंद जो होती है वो गोल क्यों होती है, तो किसके कारण होगी, पृष्ठ तनाव के कारण, वायुमंडलीय दबाव के कारण, द्रव्य का घनत्व के कारण, या फिर गुरुत्व के कारण, जल्दी से बताइए, सरफेस टेंशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, या फिर आपका लिक्विड की जो डेंसिटी होगी, या फिर आपके ग्रेविटी के कारण, जल्दी से बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बहुत शानदार, तो ध्यान रखना बेटा, वो क्या होता है, पृष्ठीय तनाव किसके कारण होती है भाई साहब, आपका पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन के कारण जो होता है, बारिश की बूंद गोल होती है, पृष्ठ तनाव के बहुत सारे होते हैं, पृष्ठ तनाव होने के कारण ही जो पतली सुई होती है वो पानी पर तैर जाती है, बारिश की जो बूंद होती है वो गोल होती है, ये पृष्ठ तनाव के कारण है, परंतु पृष्ठ तनाव कम होने के कारण आपको बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि पानी के अंदर आप क्या देते हो, मिट्टी का तेल डाल देते हो, मच्छर का लार्वा डूबकर मर जाता है, जैसे आप पानी के अंदर क्या डिटर्जेंट पाउडर या कुछ भी मिला देते हो तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, कपड़ा साफ हो जाता है। ठीक है जी, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, किसके, सरफेस टेंशन कम होने के और सरफेस टेंशन होने के, तो सरफेस टेंशन होने का कारण ये होता है, जो बारिश की बूंद होती है वो क्या होती है, गोल, आपको पता है भाई ऊपर से पानी आ रहा है तो कुछ छलनी तो लगी नहीं है, जिससे पानी छनकर नीचे आ रहा है बूंदों बूंदों में, इसकी वजह से आता है सरफेस टेंशन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते, क्योंकि है ना, इट एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वायुमंडलीय दबाव होता है, यही कहना चाह रहा है कि वायुमंडल हमारे ऊपर क्या है, अधिक दबाव डालता है, प्रेशर डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते, ऐसा क्यों होता है, ध्यान रखना। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट है हमारी हड्डियां काफी मजबूत हैं और इस दबाव को सहन कर सकती हैं। ठीक है जी, अगला है आपका कि हमारा रक्त वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, वापस उल्टा। थर्ड है हमारे
सर का जो सतही क्षेत्रफल होता है वो बहुत छोटा होता है, मतलब एरिया जो होता है वो कैसा होता है, सर का जो होता है छोटा होता है। आगे कह रहा है फोर्थ कि हम इसके दबाव आपसे बाहर रखते हैं, ठीक है, हम इसके दबाव आपसे बाहर रखते हैं, ये तो कुछ मतलब भी नहीं हुआ। तो ध्यान रखना, आपको मैं बता दूं कि भाई साहब मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट है, आप इधर खड़े हो, एक व्यक्ति इधर खड़ा हुआ है और इधर से फोर्स लगा रहा है, एक व्यक्ति इधर से खड़ा हुआ है और वो इसको फोर्स लगा रहा है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट मान के चलिए आप, है ना, ये इधर से फोर्स लगा रहा है, ये इधर से फोर्स लगा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हमेशा यहीं रहेगा जब बराबर से क्या लगा रहा है, दोनों तरफ से प्रेशर बराबर लग रहा हो। तो यही रीजन होता है भाई साहब, क्या प्रेशर, वायुमंडल जो होता है वो अपना प्रेशर लगा रहा है, परंतु हमारा जो शरीर है, शरीर के अंदर जो ब्लड है, ये ब्लड अंदर से प्रेशर कर रहा है, ठीक है जी। तो अंदर का प्रेशर मारेगा और ऊपर से वायुमंडल का प्रेशर लगेगा, तो क्या होगा भाई साहब, आपकी बॉडी मेंटेन होती है, आपको वजन नहीं लगता है। कभी आपने देखा होगा जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं कि भाई साहब कि जो बॉडी होती है इंसान की, जो डेड बॉडी होती है उसमें वेट हो जाता है, वो होता किस लिए पता है, क्योंकि वायुमंडल प्रेशर लगा रहा है परंतु अंदर का जो प्रेशर था ब्लड का वो प्रेशर खत्म हो चुका है मेरे भाइयों, इसी वजह से कहते हैं भाई साहब इस बॉडी के अंदर कोई आत्मा आ चुकी है जिसकी वजह से इसका वजन ज्यादा हुआ। ऐसा नहीं होता दोस्तों, वो इसीलिए होता है उसका वजन, उसका वेट जो होता है, क्योंकि भाई साहब अंदर का प्रेशर जो ब्लड का वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा कि हमारा वायु रक्त जो होता है वायुमंडल दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है, तो इसका मतलब प्रेशर लगा रहा है भाई साहब हमारी बॉडी को बाहर की तरफ, बाहर का प्रेशर लग रहा है, तो ये क्या करेगा उसको मेंटेन कर लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन होता है कि भाई छठवा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। फर्स्ट कह रहा ऑप्शन में, तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, मतलब कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो भाई साहब वेन्यू का जो वायु में ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा, साउंड जो होगी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है सेकंड, आर्द्रता के बढ़ने पर मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, आपने ह्यूमिडिटी जैसे एयर में डाली तो भाई साहब ध्वनि का साउंड का जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर कह रहा है वायु में ध्वनि के वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, मतलब कि वायु में ध्वनि जो होता है उसका वेग जो होता है वो दाब प्रेशर पर निर्भर नहीं करेगा। उसके बाद कहता है आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई साहब इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, जल्दी से बताइए। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी। चलिए आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसका आंसर जो होगा आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये कथन गलत है भाई। जैसे आपने नमी बढ़ाई, नमी के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, ये बात गलत कह रहा है ना, तो ध्यान रखना वो क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा, सेकंड होगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 7, जल में उत्पन्न तरंग है किस प्रकार की तरंगें होती हैं, मतलब कि जो जल तरंगें होती हैं, जल में जो वेव चलती हैं वो किस प्रकार की तरंगें हैं। आपने देखा होगा ऐसे करके चलती हैं जो तरंगें होती हैं, आपने कभी पानी के अंदर आपने कोई कंकर या पत्थर मारते हो तो पानी जो होता है ऐसे करके चलता है ना, ठीक है, तो ध्यान रखना सुरंग और गर्त बनाता है, ऊपर नीचे करके चलता है। तो भाई साहब उसमें तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होंगी, अनुदैर्ध्य तरंग होंगी, अयांत्रिक तरंगें होंगी, ठीक है, या फिर ये सभी होंगी, जल्दी से बताइए। अनुप्रस्थ को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है जी, ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे इनको, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है जी, लॉन्गिट्यूडनल, इनको बोलते हैं नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई साहब, जो जल में उत्पन्न तरंग किस प्रकार की तरंगें होती हैं। चलिए हम ही बता देते हैं भाई इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, ये जो होती है अनुप्रस्थ तरंग होती है, इसका मतलब ट्रांसवर्स वेव होती है। आप पानी के अंदर से कभी भी ऑब्जेक्ट मारते हैं तो पानी कैसे चलता है, ऐसे करके होता है ना, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे चलता है ना, तो ध्यान रखना तो ये कौन सी तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है, देखा होगा आपने समुद्र जो जल होता है उसको किस विधि से, किस प्रोसेस से रिफाइन किया जाता है या सॉरी शुद्ध किया जाता है ना, पीने योग्य बनाया जाता है, ऐसे हम कह सकते हैं, आसवन विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, वाष्पन विधि द्वारा, फिल्ट्रेशन द्वारा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टिलेशन, ठीक है जी, क्या बोलेंगे, डिस्टिलेशन बोलेंगे भाई साहब, इसको हम बोलेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलेंगे इसको, इवेपोरेशन और फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो जल्दी से बताइए समुद्री जल को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों आपको नहीं पता हम बता देते हैं, वो होता है आपका आसवन विधि, कौन सा होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस, ध्यान रखना डिस्टिलेशन प्रोसेस और होता है एक आपने सुना होगा आरओ, क्या होता है, इस आरओ के माध्यम से, इसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, आपके घर में लगा होता है ना, इसको हम बोलते हैं दोस्तों रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है जी, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है जिससे आपके पानी को क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, हम कह सकते हैं, ठीक है। नल का पानी होता है उसको आपके घरों में
आरओ लगे हुए होते हैं, तो वो प्रोसेस पर किस पर काम करेगा, इसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। ठीक है, आरओ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। तो समुद्री जल को किससे भाई शुद्ध किया जाएगा, आसवन विधि द्वारा, डिस्टिलेशन प्रोसेस द्वारा। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा क्या किया जाएगा, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इससे भाई साहब आपका पेट्रोलियम को क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, पेट्रोलियम। ठीक है जी, जो पेट्रोलियम होता है ना उससे आपका सीएनजी, एलपीजी, मिट्टी का तेल, क्रोसिन, प्रोटाइल, पेट्रोल, डीजल जो वगैरह निकालना है ना, तो वो किससे निकालना होता है, प्रवाही आसवन विधि द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, बड़ा शानदार है। इनमें से कौन परमाणु का भाग नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन भी है और बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जल्दी बताइए। परमाणु को भाई क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एटम कहा जाता है। बताइए इसमें से एटम का ऐसा कौन सा भाग नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है, या फिर फोटोन नहीं है, जल्दी से बता दीजिए इसमें से आंसर क्या होगा, आसानी है। चलिए बताइए, तो ध्यान रखना परमाणु को जो भाग नहीं है मेरे बच्चों, बहुत अच्छे शानदार, आसान लग रहा है सभी को, तो इसका आंसर क्या होगा, फोटोन। फोटोन जो होता है भाई साहब, ये एक लाइट की यूनिट है, किसकी है, लाइट की, लाइट की स्मॉलेस्ट है भाई साहब, लाइट की कैसी है, स्मॉलेस्ट यूनिट है दोस्तों। ठीक है जी, ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बच्चे कहते हैं सर जी पेपर समीप है, जल्दी से फटाफट से आप क्वेश्चन को करवाते रहिए और जितना हो सके ज़्यादा करवाएं। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज, प्रोटॉन पर कैसा, न्यूट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, प्रोटॉन पर कैसा पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज करता, प्रोटॉन की खोज करता, न्यूट्रॉन की खोज करता, पढ़ के जाएं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का चार्ज पढ़ के जाएं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास पढ़ के जाएं भाई, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, कौन सी केमिकल प्रोसेस नहीं, कौन सी केमिकल रासायनिक अभिक्रिया, आपको मैंने कई बार बताया भाई साहब, अरे जरूर आएगा वैसे, केमिकल प्रोसेस से, केमिकल और फिजिकल प्रोसेस जो भी क्वेश्चन मिलने वाला है आपको, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना मैंने केमिकल प्रोसेस बताया भाई साहब, जो केमिकल प्रोसेस होती है तो बनने वाला उत्पाद जो होगा उसको बाद में यूज में नहीं लाया जाता, परंतु फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है, उसके बाद जो उत्पाद बनता है उसको दोबारा से यूज में लाया जा सकता है। देखिए भाई साहब, मान के चलिए यदि आप भोजन पका रहे हो, ठीक है, इनमें से बताना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, भोजन का पकना, सेकेंड है कागज का जलना, थर्ड है पानी का भाप में बदलना, ठीक है, किसमें भाप में बदलना, और कोयले का जलना, जल्दी से बता दीजिए। देखिए दोस्तों, यदि आप भोजन को पकाओगे तो दोबारा उसमें क्या है, आटा नहीं बना सकते, तो इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया है। कागज का जलना, कागज जल गया तो दोबारा कागज नहीं बना सकते, ठीक है, और पानी का भाप में बदलना, चलिए, और कोयले का जलना, कोयला जल गया तो दोबारा कोयला बना सकते हो, नहीं बना सकते, तो ध्यान रखना इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा दोस्तों, थर्ड आंसर होगा, क्योंकि पानी का भाप में बदलना, जब पानी भाप में कन्वर्ट हो गया तो भाप से दोबारा क्या बना सकता है, पानी बना सकता है, ये होती है आपकी फिजिकल चेंजेस। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा शानदार। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। अब 1-2-3 दिन बचे हैं पेपर में, और जो मेरा भाई भाई साहब चाहता है कि अपने दोस्त या किसी फ्रेंड की हेल्प हो जाए तो आप शेयर कर सकते हो भाई दोस्तों। चलिए उसके बाद है, H1N1 वायरस किस बीमारी से संबंधित है, जल्दी से बता दीजिए। एक वायरस होता है H1N1 वायरस किस बीमारी से संबंधित होता है, एड्स से होता है, डेंगू से होता है, स्वाइन फ्लू से होता है, बर्ड फ्लू से होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखना वो क्या होगा, स्वाइन फ्लू होता है दोस्तों। क्या होता है, क्या होता है, स्वाइन फ्लू जो आपका जो क्या होता है, एक वायरस है, और क्या है, एक किस बीमारी से होता है, तो भाई ध्यान रखना स्वाइन फ्लू, इसका नाम क्या है, एक वायरस है, इससे होता है स्वाइन फ्लू। एक और होता है बर्ड फ्लू, आपने सुना होगा H5H1 कुछ करके होता है ना, H5N1 करके होता है, तो ध्यान रखना वो कौन सा होता है दोस्तों, वो होता है आपका बर्ड फ्लू होता है। क्या होता है, बर्ड फ्लू, विशेष तौर पर ध्यान रखें, तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12, एक मजदूर भूमि से 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किया गया कार्य की गणना करें, मतलब वर्क निकालना है, क्या निकालना है, कितना उसने वर्क किया। वर्क की एसआई यूनिट सभी को पता होगा, सर जी क्या होती है वर्क की एसआई यूनिट, सर जी जूल होती है, क्या होती है, जूल मेरे दोस्तों, क्या होती है, जूल होती है, जूल, ठीक है जी। तो ध्यान रखें, तो सभी के पीछे जूल लगा हुआ है, अब बड़ी समस्या है भाई साहब, तो कह रहा है भाई साहब वर्क की बात कर रहा है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, 140 जूल, 165 जूल, 110 जूल, 155 जूल, जल्दी से बताइए भाई आंसर, बताइए भाई क्या हुआ। देखिए दोस्तों, यदि कार्य की बात कर रहा है तो इसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी है भाई साहब, पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है MgH, ठीक है जी, क्या होता है MgH, M का मतलब होता है मास, ठीक है, और G का मतलब होता है ग्रेविटी, ठीक है, और भाई H का मतलब होता है हाइट, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है तो निकाल दो। तो देखो दोस्तों भाई, मास कितना है 10 किलोग्राम, 10 लिख लिया, मल्टीप्लाई भाई जी कितना है, जी को आपको पता हो ग्रेविटी कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड, परंतु आपका सीधा सीधा आंसर दे रखा है तो आपको जी का मान 10 मानना है, कितना मानना है 10, यदि पॉइंट में होता तो 9.8 ही मानते, तो आपने यहाँ लिख लिया 10 गुना हाइट कितनी है भाई साहब, हाइट कह रहा है 1.1 मीटर, कितनी है 1.1, ठीक है, तो 1.1 है, इसके अपॉन में क्या कर लीजिए 10 कर लीजिए, इस पॉइंट को हटाने के लिए, है ना,
आपने एक जीरो से एक जीरो काट दिया तो कितना होगा भाई साहब, 110 जूल। कितना आ गया, 110 जूल। तो आंसर क्या होगा भाई साहब, 110 जूल होगा मेरे भाइयों, क्या होगा, 110 जूल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आया होगा भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित में से कौन से स्थिर ऊर्जा का उदाहरण है। स्थिर ऊर्जा को भाई साहब क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, जो अभी बताया है मैंने, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है MGH, अभी बता रहा हूँ भाई बार बार। तो बताइए भाई पोटेंशियल एनर्जी के उदाहरण कौन कौन से हैं इसमें से। एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, मतलब कि जो घड़ी होती है उसकी जो स्प्रिंग घूमती है, ठीक है, उसमें जो स्प्रिंग होती है, और स्प्रिंग का फंडा आ जाए तो ध्यान रखना वो कैसे होता है, आपको पोटेंशियल एनर्जी होती है। उसके बाद कह रहा है घर की छत पर रखी हुई ईंट, आपने घर की छत पर एक ईंट रखी है भाई साहब, एनर्जी स्टोर है भाई साहब, यदि मान के चलो वो थोड़ी बहुत हिल जाए तो जो ईंट होगी कहाँ होगी, ऊपर से नीचे आएगी। चलिए खींची हुई स्प्रिंग, आपने स्प्रिंग खींच रखी है। उसके बाद कह रहा है चाबी वाला खिलौना, चाबी आपने भर दी तो चाबी चलते। तो बताइए भाई साहब इसमें ऐसे स्थिर ऊर्जा के उदाहरण कौन कौन से हैं, इसका मतलब ए और डी पहला और लास्ट वाला, ए बी सी डी सारे होंगे, या फिर ए और सी होगा, या फिर ए डी और सी होगा। जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या होगा दोस्तों। बहुत अच्छे, शानदार, वेरी गुड। तो ध्यान रखना भाई साहब ये सभी जो होते हैं ये आपके किसके एग्जाम्पल हैं भाई, ये आपके पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल होते हैं, क्योंकि हर स्थिति में एनर्जी को स्टोर किया गया है और बाद में उसको यूज किया जा सकता है। जैसे कि भाई साहब घड़ी है उसमें स्प्रिंग लगी हुई, वो भी आपकी कैसी कैसी एनर्जी होती है, स्थिर ऊर्जा है। और उसके बाद भाई साहब चाबी वाला खिलौना हो गया, वो भी कौन सी है भाई साहब, स्थिर ऊर्जा है, ठीक है। चाबी वाला खिलौना, चाबी वाली घड़ी भी जो होती है कौन सी स्थिर ऊर्जा होती है, ठीक है। छत पर रखी हुई जो ईंट है उसमें भी एनर्जी है, स्टोर करके रख रखी है एनर्जी। बैटरी हो जाती है आपकी, इन्वर्टर बैटरी होती है, ये भी स्थिर ऊर्जा का काम ही करती है, ध्यान रखें। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, सेकंड, सभी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, उन तीन तत्वों का नाम लिखें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। जल्दी से बताइए भाई साहब, ये आपका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए तभी आप इसको कर सकते हो। इसमें समझ नहीं है, 1s2, 2s2, 2p6 ऐसे निकालते हैं ना, आपने देखा होगा 1s2s2p, ठीक है, इसका लॉजिक वो होता है। जल्दी से बताइए भाई साहब, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हीलियम, नियोन, आर्गन, या फिर मैग्नीशियम, हीलियम और नियोन। जल्दी से बताइए, कहना चाह रहा है कि भाई साहब उसके बाहरी सेल, आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से। तो ध्यान रखना भाई दोस्तों इसका क्या होगा, इसका होगा भाई आपका लिथियम और सोडियम जो होता है, इसके बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपके कितने होता है, आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें। चलिए इतना समय नहीं है भाई साहब, समय लगेगा फिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 15, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापने इकाई का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब कह रहा है मनुष्य के शरीर की एनर्जी जो होती है आवश्यकताओं को मापन हेतु किस मापने इकाई का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य के अंदर जो एनर्जी है उसमें एनर्जी को मापने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है। क्या कहना चाह रहा है, जो इकाई है इसको हम बोलते हैं यूनिट। कौन सी यूनिट यूज करते हैं हम जब आपकी एनर्जी मापनी होती है, तो बताइए अर्ग यूज करेंगे, ठीक है, जूल यूज करेंगे, कैलोरी यूज करेंगे, ओम यूज करेंगे। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या यूज करेंगे भाई, जल्दी से आंसर बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो बताए भाई साहब आप जब क्या मन नापते एनर्जी, उसी दिशी दिशा ज्यादा सर जी क्या करते हैं, कैलोरी, है ना, कितने कैलो, कितने किलो कैलोरी या एनर्जी क्या हुई आपकी बर्न हुई है, ऐसा हमें सुना होगा, ठीक है जी। प्रोसेस तो बनते हैं, देखो आपको कार्य मापना है तो आप किसमें लिखते हैं, जूल में, और आपको एनर्जी जो आपको ऊर्जा मापनी होती है उसमें किसमें लिख सकते हैं, कैलोरी के अंदर लिख सकते हैं। ओम किसका होता है जल्दी से बता दीजिए, ओम किसका होता है दोस्तों, रेजिस्टेंस का होता है, जिसको बोलते हैं प्रतिरोध का, ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इनमें से राइट कथन आपको देखना है, सही कौन सा है। फर्स्ट है अनुवांशिकी का पितामह वाटसन को कहा जाता है, नहीं भाई साहब अनुवांशिक पितामह वाटसन को नहीं कहा जाता, किसको कहा जाता है, जॉन ग्रेगर मेंडल को, किसको कहा जाता है, जॉन ग्रेगर मेंडल को। इन्होंने किया था मटर के पौधे पर रिसर्च किया था 1822 से 1888 या 84 का आसपास किया था, ठीक है, ध्यान रखना जॉन ग्रेगर मेंडल मटर के पौधे पर रिसर्च किया था, पीसम सैटिवम मटर के पौधे का साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है, ध्यान रखें। चलिए अगला देखिए, अगला कह रखा है मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, भाई बात तो सही है 46 गुणसूत्र होते हैं, पर कह रहा है जिसमें 42 जोड़े होते हैं ना जी, 42 कहाँ होते हैं, 43 होते हैं, कितने होते हैं 43, 43 मल्टीप्लाई बाय 2, 3, 6, 4, गलत कह रहा है भाई साहब ये 23 कितने होंगे, ये 42 नहीं है, कितना है ये बात, कितना कह रहा है 23 होंगे, कितने होंगे दोस्तों 23, कितने होंगे दोस्तों 23 होंगे ना, ये बात इसने गलत कह रखी है, ये 42 जोड़े, तो 42 जोड़े कहाँ होते हैं भाई साहब, तो कितने होंगे 23 जोड़े हैं, 23 होते हैं, कितने होते हैं 23, यहाँ 23 लिखा होता तो सही होता, 23 दूनी कितने होते हैं 46, एक जोड़े में 2 होते हैं। अच्छा अगली बात समझिए, जेम्स वॉटसन ने मटर के पौधे पर रिसर्च किया था ना जी, वॉटसन ने कहाँ किया था, ये तो जॉन ग्रेगर मेंडल ने किया, ये बात भी गलत है। अगली बात कह रहा है ऑप्शन 4, तो डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है,
जिसकी खोज वॉटसन और क्रिक ने की थी। भाई साहब किसने की थी? जेम्स वॉटसन और क्रिक ने की थी। ये बात सही है, क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए का वो कैसे होता है दोस्तों? ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं डबल हेलिक्स। क्या बोला जाता है? डबल हेलिक्स, या हम कह सकते हैं आपका द्विकुंडलित। क्या कहते हैं? द्विकुंडलित कहा जाता है भाई साहब, क्योंकि आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो एकल कुंडलित होता है। ऐसे आरएनए एक सांप है ना, एक सांप सा बन रहा है तो आरएनए का है, और डबल जो काट रहा है तो क्या है? डीएनए का है। डीएनए खोज करता है वॉटसन क्रिक, बात सही है, और आरएनए खोज करता है वॉटसन। दोस्तों वॉटसन है और प्लस में है ऑर्थर अर्ग। कौन है? ऑर्थर अर्ग। इस तौर पर ध्यान रखना, ठीक है जी। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा भाई? वो होगा आपका फोर्थ आंसर होगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा शानदार 17 है। एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य, ये उत्तल है ठीक है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर की है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। 17 का आंसर बता दीजिए क्या होगा, ठीक है। 17 का जो आंसर होगा जल्दी से बताइए। देखिए 1/b - 1/u बराबर 1/f, मतलब ये आपका लेंस का फॉर्मूला है, आपको पता है ना इस बात का? तो ये लेंस का फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u बराबर क्या होता है? 1/f। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो आप u दे रखा है वो कितना है भाई आपका? u जो दे रखा है आपका, ये कितना दे रखा है? u आपका दे रखा है -30 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपका फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? फोकल लेंथ दे रखी है f दे रखा कितना? 10 सेंटीमीटर, ठीक है जी। वैल्यू पुट करिए आप 1/v है ना, माइनस, और एक माइनस किसका? इसका, तो -1/30 = 1/f। इस वैल्यू को f कितना है भाई साहब? f 10 है, कितना है? f 10 है दोस्त, 10। b निकालना है तो आप क्या कर लीजिए, इसको इधर ले जाइए, 1/v बराबर 1/10 माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस करके फिर इसके इधर क्या आएगा? माइनस में आएगा। 1/30 मतलब एलसीएम ले लीजिए, 1/v बराबर कितना होगा भाई साहब? 30, 3 × 3 = 1, कितना हो गया? 2/30, आप इसको काटेंगे 15, ठीक है। तो 1/v बराबर 1/15 दिख रहा है ना भाई सभी को? तो ध्यान रखना है, वी एस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर कितना होगा? 15 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना 15 सेंटीमीटर कितना होगा? 15 सेंटीमीटर होगा मेरे भाई, ठीक है बच्चों, ध्यान रखें। स्क्रीन शॉट लेना चाह रहे तो ले लीजिए भाई, जल्दी से ले लीजिए, ठीक है, एक बार समझ लेना इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन होता है भाई साहब, जल्दी से बताइए। ऑटो हॉर्न ने किया था, वाटरमैन ने किया है, सैमुअल कॉल्टर ने किया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है? जल्दी से बताइए कमेंट करके। बहुत अच्छे शानदार भाई साहब, वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई साहब करते रहिए लाइक, शेयर करते रहिए मेरे दोस्तों। चलिए तो फाउंटेन पेन के खोजकर्ता जो है वो है वाटरमैन। कौन है भाई साहब? वाटरमैन। याद करने का तरीका है पेन में वाटर फाउंटेन पेन जो है पेन के अंदर इंक भरी होती है, आपकी बार आपको पानी भरना है तो क्या लगाना है ना? वाटरमैन। क्या है? वाटरमैन। भाई साहब देखिए, मेरे द्वारा बनाए गए लॉजिक का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ये आपको याद कराने की चीजें हैं, तो ध्यान रखना। कहने लगे गुरुजी पेन के अंदर कहाँ पानी भरा जाता है, पेन के अंदर तो इंक ही होती है भाई, सभी को पता है। देखिए तो फाउंटेन पेन के खोज करता है वाटरमैन। सैमुअल कोल्ट को कहा जाता है भाई साहब आपको बंदूक के खोज करता है। किसके? कोल्ट या कोल्ट बंदूक के हैं, ठीक है, कोल्ट बोल्ट। उसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो हैं, ये किसके हैं भाई साहब? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन के। किसके हैं? पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन के खोजकर्ता जो हैं वो किसके हैं भाई साहब? पेनिसिलिन के जो हैं वो हैं आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ऑटो हॉर्न बता दीजिए भाई किसके हैं? ये एक किसके बम्ब के हैं या किसके हैं, जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना भाई, देखिए 19 ऐसे क्वेश्चन आता है भाई सुमेलित वाला, ध्यान रखें। पेनिसिलिन की खोज किसने करी? चेचक के टीके की खोज किसने करी? टेलीफोन की खोज किसने करी है? कंप्यूटर की खोज किसने करी है? और डायनेमो की खोज किसने करी है? जल्दी से बता दीजिए, क्या जवाब लाना होगा? देखिए दोस्तों, पेनिसिलिन के खोजकर्ता जो हैं वो हैं भाई साहब पेनिसिलिन के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, है ना, अच्छा जी। उसके बाद आपका आएगा जो आसान आसान है वो लगा लीजिए, टेलीफोन का सभी को पता है सर जी, टेलीफोन का क्या होता है? टेलीफोन का है चार्ल्स बेबेज नहीं है, टेलीफोन का कौन है? टेलीफोन का क्या होगा, एक मिनट, टेलीफोन के जो है भाई साहब कंप्यूटर के कौन है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज, ठीक है। और टेलीफोन के कौन है? टेलीफोन की लाइन बिछी रहती है ग्राम बेल, है ना। और उसके बाद किसका आएगा?
डायनेमो, डायनेमो कौन है दोस्तों, क्या गड़बड़ होगी। चेचक के टीके कौन है, एडवर्ड जेनर, ठीक है, और डायनेमो कौन है, माइकल फैराडे। ठीक है जी दोस्तों, ठीक है, तो ध्यान रखना। पेनिसिलिन के कौन है, पेनिसिलिन के कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेचक के टीके के एडवर्ड जेनर, टेलीफोन के ग्राम बेल, कंप्यूटर के चार्ल्स बेबेज और डायनेमो के माइकल फैराडे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखें, ठीक है, थोड़ा समय लग गया, कोई दिक्कत नहीं, तो ध्यान रखें तो क्या है इसके आंसर हो गए। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भाई कैंसर, 20 क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है। भाई कैंसर होता है उसके उपचार में किसका उपयोग किया जाएगा, कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम 235 का किया जाता है, कार्बन 14 का यूज किया जाता है, आयोडीन 131 का यूज किया जाता है। जल्दी से बता दीजिए किसका आंसर होगा, जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों क्या आंसर होगा इसका। तो ध्यान रखने, कैंसर के उपचार के लिए आपका कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है, किसका यूज किया जाता है, कोबाल्ट 60 का, ध्यान रखें। कार्बन 14 है, इसको हम कार्बन डेटिंग का काम करने का काम करता है, जीवाश्म ईंधनों की उम्र का पता लगाने का जो काम करता है वो कार्बन डेटिंग है, C14 जो होता है वो यही होता है, और आयोडीन जो होता है ये भी कैंसर के काम में यूज किया जाता है, परंतु सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे आप, कोबाल्ट 60 को। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखें भाई। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, लवक प्लास्टिड जो होता है किसमें पाए जाते हैं, प्लास्टिड जो होते हैं किसमें पाए जाते हैं, पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, कवक कोशिका में, या फिर इनमें से या सभी में। जल्दी से बताइए, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, कवक कोशिका, या फिर इन सभी में, जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखें भाई साहब, प्लास्टिड जो होते हैं विशेष तौर पर ध्यान रखें, वो पादप की सेल के अंदर पाएंगे, ना एनिमल सेल में पाए जाते हैं, ना कवक के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें, मोस्टली किसमें पाए जाएंगे आपके, किसमें पाए जाते हैं, आपके प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं, प्लास्टिड जो होते हैं इसको हम बोलते हैं लवक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, मस्तिष्क कौन से तंत्रिका तंत्र का भाग है। ठीक है, कौन से तंत्रिका तंत्र का भाग होता है, मस्तिष्क जो ब्रेन होता है ना आपका, तो ब्रेन किसका भाग होता है, CNS का, PNS का, ANS का, ऑल ऑफ द अबव। देखो दोस्तों मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, CNS का मतलब होता है सेंट्रल सेंट्रल नर्वस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल को बोलते हैं केंद्रीय केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पीएनएस को बोलते हैं परिधि तंत्रिका तंत्र, और ऑटोनोमस को बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ध्यान रखा, तो ध्यान रखा, ब्रेन जो होता है इतना थोड़ा सा हैवी हो जाता है, मैं थोड़ा आंसर सीधा सीधा बता रहा हूँ इसका, ठीक है, पूरा भाग होता है इसका। तो भाई मस्तिष्क जो होता है वो कौन से तंत्रिका तंत्र का भाग होता है, वो होता है CNS का भाग है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है आपका ब्रेन, और एक और होता है स्पाइनल कॉर्ड, क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से कनेक्ट होता है, पिछला वाला भाग होता है जिसको हम बोलते हैं आपका जो होता है पश्चिम मस्तिष्क जो होता है, फोर ब्रेन मिड ब्रेन हिंड ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम पश्चिम मस्तिष्क बोलते हैं, उसी कनेक्ट होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड प्लस में ब्रेन CNS का पार्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भाग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 23, मनुष्य के फेफड़ों को बाहरी आवरण से घेरने वाली परत का नाम क्या है, बाहरी आवरण से घेरने वाली जो होती है, जल्दी से बताइए, जो चारों तरफ से घेरेगी, जैसे आपका मान के चलिए कोई भी आपका क्या है फेफड़ा है, और फेफड़ों को चारों तरफ से जो घेर के रखती है उसका नाम बता दीजिए, क्या नाम है बताइए, पैराकार्डियम की परत होती है, प्लूरा परत होती है, या फिर नेफ्रॉन की परत होती है, इनमें से कोई नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइए मेरे दोस्तों क्या होता है। तो ध्यान रखना, फेफड़े जो होते हैं दो ही होते हैं, सभी को पता होगा, फेफड़ों का काम होता है आपका ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर मिलाना और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से बाहर निकालने का काम जो होता है वो किसका होता है दोस्तों, लंग्स का होता है। अच्छा सुनिए, जो पैराकार्डियम की जो परत होती है ये तो होती है आपके, पैराकार्डियम जो होता है ये होती है आपकी हार्ट में, किसमें होती है भाई साहब, हार्ट जो आपका दिल होता है उसमें पैराकार्डियम होता है, और प्लूरा जो होती है ये होती है भाई साहब फेफड़ों में। इसका आंसर जो होगा क्या होगा भाई साहब, प्लूरा जो आपकी परत होती है, मेम्ब्रेन जो होती है ये आपके फेफड़ों को कवर करके रखती है, और नेफ्रॉन जो होती है ये होती है किडनी में, ये किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, ये फंक्शनल यूनिट भी होती है किडनी की, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से बनता है आपका किडनी, छोटी छोटी नेफ्रॉन होती है, लगभग 5 लाख के आसपास, 50 लाख के आसपास नेफ्रॉन होती है जो किडनी के अंदर होती है, एक समय में एक ही किडनी कार्य करती है, मनुष्य शरीर में 2 किडनियां होती हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, सब्जियों में आलू का रंग हरा क्यों होता है, जो सब्जियां होती हैं सब्जियों में ही आता है आलू, इसका मतलब कह रहा है आलू का हरा रंग किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, कुरकुमिन के कारण, एंथ्रोसाइनिन के कारण, लाइकोपिन के कारण, या फिर सोलेनिन के कारण, सेलोनिन के कारण, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। ध्यान रखना, आलू का जो हरा रंग होता है दोस्तों वो किसके कारण होता है, सोलेनिन के कारण होता है आलू का हरा रंग। ठीक है जी, कुकुरमिन जो होता है ये हल्दी जो होती है ना, हल्दी, हल्दी का पीला रंग हम कह सकते हैं, हल्दी के अंदर पीला रंग जो होता है वो कुकुरमिन के कारण होता है। एंथ्रोसाइनिन ये शायद मिर्च में होता है, किसमें होता है सर जी, मिर्च में होता है।
और लाइकोपिन जो होता है ये होता है टमाटर में, टमाटर में, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, एंथ्रोसाइनिन जो होता है मिर्च के अंदर, कोकोमिन जो होता है ये किसमें होता है हल्दी का पीला रंग, और सोलिन जो होता है ये किसके अंदर होता है आलू, आलू के अंदर। हमेशा हरा आलू नहीं खाना चाहिए, इससे बीमारी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, सबसे अच्छी दो अर्धचालक सेमीकंडक्टर बताना है कौन सी है, इसमें से सबसे बेस्ट अर्धचालक कौन कौन सी है, सिलिकॉन कार्बन है, कार्बन और प्लेटिनम है, आयरन और जर्मेनियम है, या फिर सिलिकॉन और जर्मेनियम, जल्दी से बताइए, मैंने कई बार भी बता चुका हूँ इस बात को, ठीक है। तो सबसे अच्छी दो अर्धचालक होती है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर मतलब होता है जिसमें से थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है, गुजर सकती है, तो ध्यान रखना वो होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं दोस्तों, ये अच्छी दो अर्धचालक होती है, लगभग सेमीकंडक्टर जो होती है सात संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, और सेमीकंडक्टर जो होता है ये मेटलॉइड्स के अंदर आता है, किसके अंदर आता है उपधातु, किसमें आता है उपधातु। क्वेश्चन नंबर है, मनुष्य की आंखों में जो होता है आंख किस रंग के लिए सेंसिटिव होती है, भाई आप किस रंग को अच्छा लगता है आपको, मतलब आप देखने लगे किसी कलर को, है ना, आपके सामने किसी ने कपड़े पहन रखे, इसमें से सम्मोहक जो कलर होगा, सम्मोहक मतलब मन को मोहने वाला या अच्छा जो कलर लगेगा ना, आंखों को इरिटेट नहीं करेगा, वो कौन सा कलर होगा, लाल होगा, नीला होगा, पीला होगा या हरा होगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके। बहुत से बच्चे लाल पर जाएंगे, भाई साहब ये बात गलत है, लाल कलर को देखकर तो बहुत ज्यादा इरिटेशन सी फील होती है, तो ध्यान रखना दोस्तों वो कौन सा कलर होता है सेंसिटिव कलर, पीला कलर होता है, कौन सा होता है येलो कलर, आपने देखा होगा भाई साहब, इसी वजह से सेंसिटिव कलर है, अच्छा कलर है, इसी वजह से भाई साहब आपकी जो बसों का रंग होता है वो पीला होता है, फुटपाथ पर जो आपके कलर किए जाते हैं पीले रंग से, वो भी कैसे होते हैं, पीले रंग के होते हैं, ठीक है, और आपके जो बोर्ड होते हैं ना जो रोड पर डायरेक्शन देने का काम करते हैं वो भी किस कलर के होते हैं, पीले कलर के होते हैं, ठीक है, ध्यान रखते हैं सेंसिटिव कलर, अच्छा कलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा शानदार, तरंग धैर्य 27 है, तरंग धैर्य वेवलेंथ किस रंग का सबसे ज्यादा होता है, मतलब इनमें से ऐसी कौन सा रंग है जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, जल्दी से बताइए भाई साहब, वेवलेंथ किस रंग का सबसे अच्छा होता है, जल्दी से बताइए, बैंगनी का रंग का, गुलाबी का, नीले का, या फिर लाल का, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, वेवलेंथ सबसे अच्छा किसका होगा, बैंगनी, गुलाबी, नीला, लाल, ठीक है, जल्दी से बताइए किसका होगा, तो ध्यान रखना वेवलेंथ जो होता है वो किस कलर का होता है, बैंगनी कलर का होता है सबसे ज्यादा होगा, ठीक है जी, वेवलेंथ किसका होगा, बैंगनी कलर का होता है, विभिजोर के अंदर आता है। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला बता दीजिए, कास्टिक सोडा जो होता है इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2 होगा, NaOH होगा, या फिर आपका CaCO3 होगा, या फिर CH3COOH, है ना, तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा भाई, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला जो होता है ये होता है NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये, कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होगा ये, कैल्शियम कार्बोनेट, ये होता है आपका एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड, ध्यान रखना NaOH जो होता है ये कास्टिक सोडा का फॉर्मूला है, जल्दी से कमेंट कर बताइए Na2CO3 10H2O किसका फॉर्मूला है, धावन सोडा है, खाना सोडा है, इसको बता दो जल्दी से कमेंट करके, Na2CO3 10H2O ये खाना सोडा है या धावन सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, ये वाला जल्दी से बताओ। चलिए आपका इंतजार कर रहे हैं भाई कमेंट का, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, घनत्व मतलब डेंसिटी किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब हम कह रहे हैं भाई साहब जो आपकी डेंसिटी जो होती है ना, डेंसिटी मतलब घनत्व, व्युत्क्रमानुपाती होगा, इसका मतलब यहाँ अपोजिट है कोई 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 शब्द है यहाँ, है ना, देखो आयतन का मतलब वॉल्यूम का, बल का मतलब फोर्स का, दाब मतलब प्रेशर का, द्रव्यमान मतलब मास का, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका, आयतन का होगा, बल का होगा, फोर्स का होगा, दाब प्रेशर का होगा, और द्रव्यमान मास का होगा, वेरी गुड, किसका होगा दोस्तों, ये होता है मेरे दोस्तों किसका, वॉल्यूम का, किसका होता है वॉल्यूम, किसका होगा वॉल्यूम का, इसका मतलब कहना चाह रहे हैं डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम घटेगा, डेंसिटी घटेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ये उल्टा होता है भाई, ध्यान रखना एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी क्या घटेगी, एक घट रही है तो दूसरी बढ़ेगी, ध्यान रखना। चलिए अगला आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज किस वैज्ञानिक ने की, फिफ्थ अवस्था है, आपको पता है सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस, और एक होता है प्लाज्मा, ठीक है, 1 2 3 4 चार अवस्थाएं होगी, और एक और थी BEC, इसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, तो इसी पांचवी अवस्था के बारे में पूछ रहा है, इस पांचवी अवस्था के, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसका मतलब आपको आंसर मिल ही गया होगा, है ना,
ध्यान रखना इसका पूरा पूरा नाम होता है बीसी द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, आइंस्टीन और न्यूटन नहीं है, जेसी बोस आइंस्टीन बिल्कुल सही है, ये भी नहीं ये भी नहीं, तो आंसर क्या हो गया आपका जेसी बोस और आइंस्टीन हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु कौन सी है ना, जल्दी से बताइए आवर्त सारणी के अंदर कौन सी सबसे भारी धातु कौन सी है, ओस्मियम होता है, लिथियम होता है, प्लेटिनम होता है, लोहा होता है, जल्दी से बताइए सबसे भारी धातु कौन सी है। देखिए भाई साहब आप कितने पानी में है, ठीक है दोस्तों, वेरी गुड, तो ध्यान रखना भाई साहब आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु जो होती है वो होती है दोस्तों क्या चीज, ओस्मियम, क्या होती है ओस्मियम, ओस्मियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 76, कितना होता है 76 है ना, और सबसे हल्की धातु की बात करें तो कौन सा होता है, हल्की धातु जो होती है वो कौन सी होती है, ये होती है भाई साहब आपका लिथियम, ठीक है, सबसे हल्की धातु जो होती है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर जो होगा इसका कितना होगा 3 और उसका कितना होगा 76 होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है, साई और पेंट कौन सा विलयन है, भाई जो साई और पेंट है आप ये विलयन होता है भाई, साई बनाई जा रही है और पेंट जो होता है वॉल पर करने वाला पेंट जो होता है ये किस प्रकार का विलयन होता है, सॉलिड सॉल है फोम है या इमल्सन है, जल्दी से बताइए, ठीक है तो जल्दी से बताइए भाई इसका आंसर होगा सॉलिड सॉल, सॉल फॉर्म या इमल्सन, जल्दी से बताइए भाई दोस्तों, ये होता है साई और पेंट जो होता है ये आपका कैसा है सॉल है, कैसा है सॉल होता है, ध्यान रखिए ये होता क्या है, आप लिक्विड के अंदर क्या बना देता है, लिक्विड के अंदर आपने सॉलिड मिलाया, लिक्विड के अंदर आपने क्या मिलाया सॉलिड मिलाया, तो लिक्विड के अंदर सॉलिड मिलाने से आपका क्या बनता है सॉल बनता है, क्या बनता है सॉल बनता है, और जिसका एग्जाम्पल जो होते हैं वो कौन कौन से, साही और पेंट ये सॉल के एग्जाम्पल होते हैं, इस विलयन को क्या बोलते हैं सॉल्यूशन बोलते हैं सॉल, क्या बोला जाता है सॉल, ऐसे इमल्सन होता है, इमल्सन जो होता है या पायस होता है, और दूध जो होता है यह क्या होता है पायस होता है, ठीक है तो ध्यान रखें सॉल्यूशन कैसा होता है पायस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु का त्रिज्या कितना होता है, परमाणु जो होता है इसका मतलब एटम जो होता है, एटम की त्रिज्या पूछ रहा है भाई साहब, रेडियस ऑफ एटम, तो रेडियस है किसका, इस एटम है, इस एटम का रेडियस पूछ रहा है ये कितना होगा भाई साहब, यहाँ से यहाँ तक एक एटम का रेडियस कितना होता है यहाँ से, ठीक है जल्दी से बताइए कितना होगा, तो 10^-10 मीटर होगा, 10^-15 मीटर होगा, 10^-25 मीटर होगा, नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। बच्चे ध्यान रखें बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको बिल्कुल पेपर में डिक्टोर देखने को मिलेंगे भाई। देखिए तो 10^-10 मीटर, हाँ बिल्कुल सही बात है, 10^-10 मीटर जो होता है ये किसका होता है, किसी भी एटम का, किसका होता है, किसी भी परमाणु की रेडियस होती है ना, तो कितनी होती है 10^-10 मीटर, परंतु आपसे पूछने लगे इस एटम है और इस एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है ना, तो इसकी पूछने लगे आपसे तो इस न्यूक्लियस की जो होती है वो होती है 10^-15 मीटर, कितनी होती है 10^-15 मीटर, ठीक है दोस्तों ध्यान रखें 10^-15 मीटर होती है, ये न्यूक्लियस की होती है, किसकी होती है न्यूक्लियस की, केंद्रक की, केंद्रक का जो आपकी रेडियस होती है वो होती है 10^-15 मीटर, और यदि मैं एटम की बात करूँ ये एटम है, ठीक है और ये क्या है आपका न्यूक्लियस, मैंने बताई दिया, ठीक है उसकी है 10^-15 और 10^-10 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 34 इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स कौन है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स जो होता है, ठीक है आपका एंटी पार्टिकल्स विपरीत जो कण है वो कौन सा है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पॉजिट्रॉन या न्यूट्रॉन, सभी को बता सर जी इसमें से एक ही आ रहा है सीधी सी बात है कौन सा होगा जल्दी से बताइए, तो वो होता है दोस्तों पॉजिट्रॉन, क्या होता है पॉजिट्रॉन, इसके खोजकर्ता जो है एडरसन है, कौन है एडरसन इसके खोजकर्ता है, एडरसन जो खोज करता है वो पॉजिट्रॉन को खोज करता है, पॉजिट्रॉन जो होता है इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 × 10^19 कूलम, इसकी वैल्यू इतनी होती है जितनी किसकी होती है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है −1.6 × 10^19 कूलम होता है मेरे भाइयों, ध्यान रखें ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बड़ा शानदार, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किसने करवाया भाई, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, रदरफोर्ड ने, नील्स बोर ने, आइंस्टीन ने, न्यूटन ने, जल्दी से बताइए भाई किसने दिया था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट करवाया था, कुछ रेज हैं भाई साहब, एक पन्नी ली थी किसकी गोल्ड की, बहुत बारी जो पोलोथिन थी, ठीक है किसकी गोल्ड की सोने की, उस पर आपकी रेज डाली गई, कुछ रेज पार कर गई, कुछ रेज निकल के बाहर चली गई, कुछ विपरीत हो गई, वो किसने किया था दोस्तों रदरफोर्ड ने किया था, किसने किया था रदरफोर्ड ने भाई साहब, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किसने किया था रदरफोर्ड ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव्य होता है, जल्दी से बताइए ऐसा कौन सा अधातु है, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो आपके रूम टेम्परेचर पर कैसा होता है आपका द्रव्य अवस्था में लिक्विड में होता है, तो ध्यान रखना एल्यूमिनियम होगा आपका, ब्रोमीन होगा, तांबा होगा या पारा, तो ध्यान रखना बच्चों वो कौन सा होता है ब्रोमीन होता है, और ब्रोमीन जो होता है एक अधातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है किस पर रूम टेम्परेचर पर, परंतु लिक्विड फॉर्म में आपसे धातु पूछने लगे तो वो होती है आपकी पारा मरकरी,
वो धातु है, ये अधातु है, ध्यान रखें भाई दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा भाई साहब सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं, भाई साहब जो सीसा और टिन होता है इसे किस मिश्र धातु को कहते हैं, ध्यान रखिए बताइए, उपधातु कहेंगे, रन मेटल कहेंगे, सोल्डर कहेंगे, स्टील कहेंगे, मतलब कि सीसा और टिन से कोई मिश्र धातु बनाई जा रही है, इन मिश्र धातु में से बता दीजिए क्या कहेंगे, तो ध्यान रखना मेरे भाइयों, जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या आंसर होगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, सीसा और टिन की मिश्र धातु किसे कहते हैं, ये कहा जाता है भाई साहब आपको किसको, शोल्डर को, ठीक है, टांका लगाया जाता है, टांका, ठीक है, जो टांका लगाना लेट कर, लॉजिक भी है भाई साहब, लेट कर, तो टांका जैसे लगाओगे आप लेट कर से, तो आपका लेड से क्या होगा, लेड क्या होगा, लेड और टे से होगा टिन, ठीक है जी, लेड लेड एंड टिन, ठीक है जी, लेड और टिन जो होगा, लेट कर लगाना है टांका, टांका लगाते हैं ना, तो ध्यान रखना टांका किसका होता है भाई साहब, वो ध्यान रखना शोल्डर का टांका जो होता है, तो लेट कर लगाना, ले से लेड, टे से टिन हो गया, तो लेड टिन, इसका मतलब सीसा और टिन जो होता है वो मिश्र धातु जो बनाता है वो हुआ शोल्डर होता है, जिसको बोलते हैं शोल्डर टांका, क्या बच्चों ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 हो गया, कार्बन का कौन सा अपर रूप अधिक कठोर होता है, आपको पता है भाई जब कार्बन के बहुत सारे अपर रूप होते हैं, पर विशेष तौर पर दो ही कार्बन का अपर रूप आपने देखा होगा, एक होता है हीरा, एक होता है क्या चीज, ग्रेफाइट मोस्टली जो चलता है, ठीक है जी, आपके दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा यही यूज कर रहे हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट जो होता है, तो ध्यान रखना हीरा इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, बैड कंडक्टर है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, परंतु हीरा जो होता है हीट का कंडक्टर है, ग्रेफाइट जो होता है हीट का क्या होता है भाई साहब, क्या होता है, कंडक्टर होता है। चलिए, तो कार्बन का कौन सा अपर रूप सबसे अधिक कठोर होगा, तो सभी पता चलिए कौन सा होगा, हीरा जो होता है, ये कैसा होता है, कार्बन का सबसे कठोर अपर रूप होता है, जिसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप, अपर रूप को क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है, यदि आपने कॉपर को, ठीक है, और वायु में जलाया है, तो जलाने पर कौन सा यौगिक, कौन सा कंपाउंड बनेगा, जल्दी से बताइए, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो बनेगा, जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों, कंपाउंड बताइए, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्राइड, कॉपर हाइड्राइड हाइड्रोक्साइड, या फिर कुछ नहीं, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्राइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होगा, जल्दी से बताइए क्या बनेगा इसका आंसर, जल्दी से मेरे दोस्तों कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों आंसर होगा इसका, जो आपका कॉपर ऑक्साइड होता है, जब बनेगा, जब कॉपर को क्या कर रहे हैं, वायु में जलाने पर, वायु में जलाने पर कॉपर को, तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, सिलिका क्या है, सिलिका जो होता है, सिलिका क्या होती है, धातु होती है, उपधातु होती है, अधातु होती है, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए क्या होगा, सभी को पता सर जी सिलिका को ठोस तो इतनी होती नहीं है, मेटल है, नॉन मेटल है, या फिर आपका मेटलॉइड है, जल्दी से बताइए। तो सिलिका, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान रखना ये क्या होती है, उपधातु, जिसको हम बोलते हैं मेटलॉइड, क्या बोला जाता है, मेटलॉइड जो होता है ये आपका क्या होता है भाई साहब, उपधातु होती है, और सिलिका जो है क्या है, सेमी कंडक्टर भी है, सेमी कंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है जी बच्चों, ध्यान रखें विशेष तौर पर, ध्यान रखें। चलिए बच्चा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु का किस गुणधर्म को बताता है। देखिए आपको पता होगा, कोई भी अब लोहा ले लिया आपने, और लोहे को पीट पीट कर, पीट पीट कर पतली पतली चादर बना सकते हैं ना, तो ये कहना चाह रहा है पतली पतली पत्थर बनाना, यह धातु का कौन सा गुण कहलाता है, उसको आघात बढ़ देता है, मेलेबिलिटी बोलेंगे, या फिर हम कह रहे हैं चालकता, कंडक्टिविटी बोलेंगे, सक्रियता बोलेंगे, या फिर कठोरता बोलेंगे, इसमें से कौन सा होगा, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा भाई दोस्तों। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा क्या होगा, आघात बढ़ता, यदि आप किसी भी धातु को पीट पीट कर पतली पतली चादर बनाई जा रही है, उसको बोलते हैं आघात बढ़ता, यदि किसी धातु को पीट करके और पतली पतली या खींच करके पतली तार बनाई जाती है, उसको बोलते हैं तन्यता, डक्टिलिटी, ध्यान रखना। तो जर्नली जो धातुएं होती है वो सॉलिड होती है, मैंने जर्नली बोला है, सभी ने बोला है, आमतौर पर धातुएं जो होती है सॉलिड होती है, आमतौर पर धातु इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है और हीट की भी कंडक्टर होती है, ठीक है। तो क्या होगा, मेलेबिलिटी होती है सभी धातुओं में जो पीट पीट कर बनाई जाती है। जस्ता के अयस्क, जस्ता के ओर्स बताने भाई साहब, जस्ता के ओर्स, जस्ता का जो ओर्स होते हैं कहाँ से निकलता है, सिनावार से, सोडियम क्लोराइड से, बॉक्साइड से, या जिंक ब्लेड से, जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर। तो ध्यान रखना जस्ता का जो अयस्क होता है वो क्या होता है, जिंक ब्लेड, क्या होता है दोस्तों, जिंक ब्लेड। अच्छा बॉक्साइड किसका होता है, एल्यूमिनियम को होता है, बताना भाई, एल्यूमिनियम का जो होता है वो बॉक्साइड होता है, ये बात सही है गलत है। सिनेवार जो होता है ये सिनेवार, सिनेवार होता है, ये सिनेवार जो होता है पारे का होता है, ये बात सही है गलत है, जल्दी से बताइए, देखते हैं आप सही हो गलत हो। एल्युमिनियम का बॉक्साइड, सिनेवार का पारा, जिंक ब्लेड का आपका क्या होता है,
दस्ते का होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सपनों का अध्ययन, जो आपके सपने होते हैं सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है, इथियोलॉजी, क्रोनोलॉजी, ऑनिरोलॉजी या फिर क्रेमेटोलॉजी, जल्दी से बताइए सपनों का अध्ययन क्या कहलाएगा दोस्तों, जल्दी से। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो सपनों का अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है, क्रोनोलॉजी। यदि ये ना आए ना आपको तो ध्यान रखना एक और भी होता है जिसको हम बोलते हैं नींद का अध्ययन, जिसको हम बोलते हैं, हिप्नोलॉजी। क्या बोलते हैं, हिप्नोलॉजी। आपने गाना भी सुना होगा, हिप्नोटाइज कर दिए मैनू, वो सनी सिंह का गाना है ना, तो ध्यान रखें भाई सनी सिंह का ये गाना हिप्नोटाइज, हिप्नो करती है, एक नींद सी अलग सी उसमें ले जाती है, तो ध्यान रखना है, उसको हिप्नोटाइज भी बोल सकते हैं, हिप्नोलॉजी भी बोल सकते हैं, फ्रेनोलॉजी भी कहा जा सकता है भाई, ठीक है जी। चलिए उसके बाद है 44, 44 वाला है भाई, शुष्क सेल, ड्राई सेल जो होते हैं, ड्राई सेल में किस तरह की ऊर्जा विद्युत होती है, मतलब कैसी विद्युत ऊर्जा होती है, जो आपके शुष्क सेल होते हैं उसमें कैसी ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, तापीय ऊर्जा होती है, या फिर रासायनिक ऊर्जा होती है, जल्दी से कमेंट करके बताइए भाई दोस्तों क्या होगा। सभी को बताया जी, शुष्क सेल जो होता है केमिकल प्रोसेस पर काम करने का काम करता है दोस्तों, तो ध्यान रखना ये क्या होगा इसका आंसर, केमिकल। कौन से होती है भाई साहब, केमिकल एनर्जी होती है, आपको पता है, जो आपका विद्युत सेल होता है ये केमिकल एनर्जी को, किसमें कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसमें करेगा भाई साहब, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है, कौन करता है भाई दोस्तों, ये आपको कौन करता है दोस्तों, ये आपका ड्राई सेल करता है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है भाई साहब, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना, जल्दी से बताइए कब हुई थी भाई, इसरो की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे भी ये, इसरो की स्थापना कब करी थी इसरो की, तो ये हुई थी भाई साहब 1969, कब करी थी 1969 में, ठीक है। चलिए 1969 में जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की खोज हुई है भाई साहब, यह स्थापना हुई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 46 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ये तो पता होगा ना भाई कहाँ पर है, ये त्रिवेंद्रपुरम में है, दिल्ली में है, बेंगलोर में है, या अहमदनगर में है, ठीक है जी, त्रिवेंद्रम, दिल्ली, बंगलौर या फिर अहमदनगर, जल्दी से बताइए, तो सभी को बता सर जी कहाँ पर है भाई, जल्दी से बताइए दोस्तों, तो ध्यान रखना ये कहाँ पर पड़ता है, बेंगलोर में है सर जी, बेंगलोर कहाँ पड़ता है सर जी, कर्नाटक में ही, कहाँ पर पड़ेगा, बेंगलोर कर्नाटक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 47 सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च सेंटर या इंस्टीट्यूट कहाँ हैं, लखनऊ में, कोलकाता में, दिल्ली में, बेंगलोर में, जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए नेशनल जो सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च सेंटर है वो आपका लखनऊ में है, ध्यान रखना यूपी वाले होते हैं, और ये हम नहीं कह सकते हैं भाई साहब, दवाई का भी जो है ना, जिसको हम बोलते हैं औषधि अनुसंधान संस्थान और विष अनुसंधान संस्थान, ये भी दोनों कहाँ हैं, लखनऊ के अंदर हैं, औषधि और विष लखनऊ, ध्यान रखें, तो सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, 48 एल्यूमिना, एल्यूमिनिया का विद्युत अपघटन करने पर एनोड जो होती है कौन सी गैस जमा होती है, जब एल्यूमिनिया का विद्युत अपघटन होता है उसकी जो एनोड होती है, एनोड पर छड़ होती है, एनोड पर कौन सी गैस जमा हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस या फिर हाइड्रोजन गैस, जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों क्या होगी भाई साहब, दोस्तों बच्चे जल्दी बताएं, तो ध्यान रखना एल्यूमिनियम को विद्युत अपघटन होता है तो एनोड पर भाई साहब आपकी गैस हो जाती है ऑक्सीजन जमा, कौन सी हो जाती है, ऑक्सीजन जमा हो जाती है दोस्तों, ठीक है जी। यदि वीडियो अच्छी लग रही है मेरे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहे मेरे भाइयों। चलिए तो कौन सी होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है, जो आपका इस्पात होता है ना, जो लोहा होता है हम कह सकते हैं, उसके अंदर कितना प्रतिशत कार्बन होता है, 4%, 2%, 5% या 3%, जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या आंसर होगा, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है, जल्दी से ध्यान रखें भाई साहब, इस्पात में कार्बन की जो मात्रा होती है वो 2% होती है, कितना होती है, 2%, विशेष तौर पर ध्यान रखना, इस्पात में कितना प्रतिशत होगा भाई साहब कार्बन, 2% होगा मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है रक्त दाब किस यंत्र से मापा जाता है, इसका मतलब जो आपका क्या होता है भाई साहब, ब्लड प्रेशर होता है, क्या होता है, ब्लड प्रेशर है ना, रक्त दाब को किस यंत्र से मापा जाता है, पायरोमीटर से, एनीमोमीटर से, स्फेग्नोमैनोमीटर से या फिर गैल्वेनोमीटर से, जल्दी से बताइए। देखिए गैल्वेनोमीटर से आपकी जो विद्युत धारा की जो स्पीड होती है, चाल होती है ना, कितनी तीव्रता से चल रही है, गैल्वेनोमीटर पर से मापा जाता है, ठीक है। एनोमीटर जल्दी से बताइए क्या मापा जाता है, वायु की स्पीड मापी जाएगी या ऊंचाई मापी जाती है, ठीक है, जल्दी से बताइए। तो ध्यान रखना भाई साहब, जो आपका क्या होता है स्फेग्नोमैनोमीटर जो होता है उससे क्या मापा जाता है, रक्त दाब को मापा जाता है। कभी आपने देखा को डॉक्टर के पास जाते हैं जब बीपी चेक करवाते हैं तो एक मशीन से लगाता है, अब तो भाई
इलेक्ट्रॉनिक वाली आ चुकी है, परंतु पहले समय में जो होता है ऐसे हाथ से करते थे, प्रेशर भरते थे, यहाँ मानते थे, तो वो होता है आपका स्फेग्नोमैनोमीटर, साइंस की भाषा में। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखें भाई। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो लगभग 50 क्वेश्चन किए हैं भाई साहब, बड़े शानदार क्वेश्चन हैं। जो बच्चा एग्जाम से पहले भी सीरीज को देखेगा, और यही नहीं भाई साहब, लगभग लगभग आपके 10 से 12 क्लास हो चुकी हैं, जो बच्चा इनको देख लेगा भाई साहब, वो लगभग लगभग आपका जो आपका पोर्शन है वो क्लियर करके आएगा दोस्तों। ठीक है जी, चलिए आज की क्लास यहीं पर विराम देते हैं, अगली क्लास बहुत जल्द होने वाली है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।